नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टेक्निकल अवी। ये जो वीडियो है ना, ये आप लोगों की डिमांड पे बना रहा हूं मैं। मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला कि जब आप ट्रेडिंग करते हो, जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जहां मैंने आपको $100 पे $20 प्रॉफिट करके दिखाया था इन जस्ट 25 मिनट। बहुत प्यार मिला आप लोगों का, लगभग 1300 से 1400 कॉमेंट्स आए उस वीडियो पे, और लोगों ने यार कुछ सवाल भी पूछे कि जब आप ग्राफ को देख रहे थे तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे रिकॉग्नाइज हुआ, आपको कैसे पता चला कि ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है, आपको कैसे पता चला कि यहां से इस पॉइंट के बाद ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। तो यार आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा जो यूजुअली आपको दिखेंगे आपके ग्राफ के ऊपर जब आप ट्रेड करते हैं। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ, देखिए न्यूज इंपैक्ट और न्यूज चेक करना करेंसी पेयर पे, स्ट्रैटेजी, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये एक पिलर्स है इंडियन डेमोक्रेसी के। क्या पिलर्स है? मीडिया एक पिलर्स है, ऐसे करके टोटल 4 पिलर है। तो वैसे मुझे हालांकि अभी नाम याद नहीं है, सॉरी, बट 4 पिलर्स है। वैसे ही ट्रेडिंग के अंदर भी ये 4 पिलर्स है जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है, न्यूज इंपैक्ट और करेंसी पेयर पे चेक करना, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद कैंडलस्टिक और स्ट्रैटेजी। इनके ये अगर आप करते ना तो मोस्टली एक्यूरेट ही रहते हैं, मोस्टली 100% कुछ नहीं होता है यहाँ पे ट्रेडिंग में। तो अब सबसे पहला जो पैटर्न है उसके बारे में बात करते हैं जो यूजुअली ज्यादातर देखने को मिलता है, जिसका नाम है बियरिश इवनिंग स्टार पैटर्न। चले नाम से हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ याद रखना है इस पैटर्न को, कौन से चार्ट, कौन से टाइम फ्रेम पे ये अच्छा दिखता है और कौन से चार्ट पे। देखिए कैंडलस्टिक रखना है आपको, एरिया और बार कोड नहीं रखना है, उसमें नहीं देखने को मिलेगा। कैंडलस्टिक अगर आप ग्राफ का ट्रेंड रखते हैं तो वहां पे आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। 1 मिनट में भी आपको देखने को मिलेगा, बट कम एक्यूरेसी रहेगी। 5 मिनट में भी थोड़ी कम एक्यूरेसी रहेगी। अगर आप 10 से 15 मिनट में जाते तो एक्यूरेसी लेवल नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 मिनट के साथ इसे यूज नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, बट एक्यूरेसी कम रहेगी, ये याद रखिएगा। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ कुछ नहीं है, देखिए 3 चीज देख पा रहे हैं आप। एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनती है जिसमें बॉडी बहुत छोटी होती है और शेडो बहुत बड़ी होती है। आई होप आपको पता होगा कि बॉडी और शेडो क्या होता है किसी कैंडल के लिए। देखेंगे ऊपर का जो हिस्सा है, जो डंडी है, उसको बोलेंगे शेडो, बीच का जो पार्ट है उसको बॉडी बोला जाता है। तो जैसे ही ग्रीन ट्रेंड यानी ग्रीन पूरी कैंडल बन रही है जिसमें फुल बॉडी आपको देखने को मिल रही है, उसके बाद एक छोटी कैंडल बनती है जिसमें आपकी बॉडी छोटी सी होती है और आपकी जो शेडो है वो ज्यादा होती है कैंडल की, उसके बाद एक और कैंडल आपको देखने को मिलती है जो कि रेड है। इसका मतलब आप आंख बंद कीजिए और 5 मिनट की डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले लीजिए। और यार इनके नाम याद रखना जरूरी नहीं है आपको, जैसे इसका नाम हो गया बियरिश डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, तो नाम मत याद रखो, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, डोजी, हैमर, बहुत है, बट याद मत रखो, सिर्फ आप एक्शन याद रखो कि क्या ऐसा देखोगे आप जिसके बाद मार्केट चेंज हो जाता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो देखेंगे मैं सिर्फ वही कैंडलस्टिक पैटर्न्स बता रहा हूं जो हाल फिलहाल में मुझे ज्यादा दिख रहे हैं चार्ट के ऊपर। तो ये जरूरी होगा आप लोगों के लिए वीडियो लास्ट तक देखना, ताकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जब आप देखें ग्राफ के ऊपर तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाए मार्केट को और ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड कर पाए। तो देखेंगे अब ये क्लोजिंग प्राइस होता है, ये ओपनिंग प्राइस होता है, मतलब कि यहां से ट्रेड ओपन होती है और यहां पे क्लोज होती है, और हाईएस्ट प्राइस ऑफ द डे का ये होता है, लोएस्ट प्राइस ये होता है। मतलब देखिए ट्रेड एक्चुअली यहां से ओपन हुई है बट ये एक शेडो है तो इसकी वैल्यू नहीं है, तो ओपनिंग प्राइस हम वहां से मानेंगे जहां से बॉडी स्टार्ट होता है। चलो ये थोड़ा टेक्निकल चीजें हो गई। अब देखोगे जैसे ही आपको 2 कैंडल्स एक जैसी मिलती हैं, लगभग एक सार की बॉडी और शेडो, और जो रेड कलर की कैंडल होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है ग्रीन कलर की कैंडल से, मतलब अगर ग्रीन कलर की कैंडल का जो जो हाईएस्ट प्राइस ऑफ द डे था उससे भी ऊपर होना चाहिए ओपनिंग प्राइस किसका, रेड कलर की कैंडल का, इन दैट केस हम वेट करेंगे कॉन्फर्मेशन का। कॉन्फर्मेशन क्या, अगर हमें एक और कैंडल मिलती है जो दोनों कैंडल से छोटी होती है और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसकी बॉडी काफी छोटी है,
तो इन दैट केस मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। अभी अपवर्ड ट्रेंड था, इसके बाद डाउनवर्ड ट्रेंड हो जाएगा और ये प्रैक्टिकल है, आप देख सकते हैं ग्राफ। आप जब खुद ट्रेडिंग करेंगे ना तो आपको ये पैटर्न्स इजीली देखने को मिल जाएंगे, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और जब भी देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाए, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये पैटर्न्स अभी इस महीने की बात करूं तो फरवरी के पूरे महीने में मोस्टली मुझे ये 3 पैटर्न ही देखने को मिले। तीसरे की बात करते हैं बियरिश हैंगिंग बैंड पैटर्न, तो यहां चलिए इसके बारे में बताऊंगा। बट देखिए इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया, जिसका मैंने आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो टेक्निकल अभी ऑफिशियल ठीक है, आप यहां पे जाके देख सकते हैं मैं कितने पोस्ट करता हूं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। यार मैं मतलब ऐसा नहीं कि एंटरटेनमेंट के लिए करता हूं, मेहनत लगती है इनको बनाने में, मैं सिर्फ इसलिए करता हूं ताकि आप उनसे सीख सकें, पढ़ सकें। और जो मोस्ट एक्यूरेट होते हैं मंथ वाइज वो मैं पोस्ट करता हूं, मतलब हर महीने में जो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं और मैं पर्सनली सबसे ज्यादा देख पा रहा हूं, वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। तो और ये वीडियो बनानी जरूरी इसलिए हो गई थी क्योंकि लोग वो चीज नहीं देख रहे इंस्टाग्राम और मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि आप कैसे रिकॉग्नाइज कर लेते हो। तो देखेंगे कि बहुत बार ऐसा हुआ है जब मैं आपसे वीडियो बना रहा हूं, मैं पहले ही बता देता था कि अभी यहां से ऊपर जाने वाला है मार्केट या नीचे जाने वाला है। इट ऑल ये सारी चीजें क्या है कि आपका एक्सपीरियंस से मैटर करती है, जितना ज्यादा ट्रेडिंग उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे यहां पे उतना आपको ज्ञान मिलेगा। भाई मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं। देखेंगे बियरिश हैंगिंग मैन पैटर्न, जैसे ही आपको अपवर्ड ट्रेंड, ये देखिए अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है, उसके बाद आपको ऊपर भैया मार्केट का जो ओपनिंग प्राइस ऑफ द डे है वो बहुत नीचे है, बट क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे है ही नहीं, आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ आपको बॉडी देखने को मिलेगी, शेडो बहुत लंबी होगी नीचे और जहां पे आपका क्लोज होगा ना वो बॉडी होगी। तो इन दैट केस मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। और ये जो तीसरा पैटर्न ना, ये तो मैं कहूं कि हर 15 मिनट में आपको एक बार देखने को जरूर मिलेगा, अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। हर 5 मिनट वाला अगर टाइम फ्रेम है तो हर 1 घंटे में आपको 2 बार तो जरूर देखने को मिलेगा, बहुत कॉमन है। और पिछले महीने में काफी अच्छा काम किया है फरवरी में, अब मार्च के टाइम पे कौन से काम करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम पे। तो ज्वाइन हो जाओ अभी, मतलब फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। और यार ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, हालांकि छोटी वीडियो थी और मैंने सिर्फ 3 ही पैटर्न्स के बारे में आपको बताया, भैया बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, लेकिन हर कैंडलस्टिक पैटर्न याद करने की जरूरत नहीं है, याद वो करो जो अभी चल रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए मार्केट जो है ना, जैसे हमारा सीजन होता है, ठंडी का सीजन आता है, गर्मी का सीजन आता है, उस हिसाब से वेदर कंडीशंस चेंज होती हैं, हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है, उसी तरीके से इनका सीजन तो नहीं आता लेकिन इनमें भी क्या होता है ना, कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाती है कि अभी ये कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छा काम कर रहा है, अभी ये कर रहा है। तो जो मोस्ट ऑफ द सिमिलैरिटीज है वो मैं इंस्टाग्राम पर आपको बता ही देता हूँ, टेलीग्राम पर आपको बता देता हूँ, और रोज टेलीग्राम पर भी मैं एक पोस्ट डालता हूँ, वहाँ पर भी मैं ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब एक ही बार एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न हर बार 30 दिन के साइकिल में रिपीट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एक करेंसी पेयर की बात करता हूं तो, क्योंकि हर महीने की फर्स्ट फ्राइडे को NFP आता है। और जैसे ही NFP आता है उसके बाद ट्रेंड भी चेंज हो जाता है, आपका मार्केट या तो बहुत नीचे गिर जाता है या तो बहुत ऊपर चला जाता है, समटाइम्स रिकवरी भी नहीं देखने को मिलती है। तो इन दैट केस ये पैटर्न्स वहां के बाद से चेंज हो जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट मंथ के लिए क्या चीज़ें होने वाली हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। अभी के लिए आप लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिए और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।